कहिए कि नहीं आप लोग इजाजत, आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ कि मेरी बारी नहीं आई थोड़ी नहीं, मेरी आज सुनने की बारी है। इतनी तारीफ सुनने के बाद मैं अभी काम का बोलता हूँ। मैं इतना जरूर कहूँ, मैं और कुछ लोग आपके साथ मंच पे जो बैठे हुए हैं और कुछ और दोस्त हैं यहाँ पे सनी मारे बैठे हैं जिनका मैं असिस्टेंट हूँ थिएटर में, लुमन है, सत्या बैठी हैं, सत्या सरन जो इसी किताब का अंग्रेजी तर्जुमा कर रही हैं, और मैं शौहरत पा रहा हूँ, मैं और अंग्रेजी में आएगी तो और ज्यादा शौहरत होगी। लेकिन ये सही है कि कोई शख्स अकेले किसी ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंचता अगर वो कहे कि मैं बनाऊ, मैंने खुद किया या मैं कर गया हूं। ये देखे ना, ये लोग हैं सारे फनकार हैं, क्रिएटिव पीपल, अगर मैं इन्हें इंस्पायर करता हूं तो इट कांट बी वन वे। द इंस्पिरेशन कम्स टू मी ऑल्सो फ्रॉम ऑल अदर्स, जो मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है, and it responds back to me. Or also, I'm not the most learned. There are many learned more than me. तो मैं उनसे भी inspiration लेता हूँ, और ये थोड़ी सी मेरी चालाकी है या महारत है मेरी कि मैं उसे अपना बना लेता हूँ और कह देता हूँ और तालियां ले लेता हूँ। अब यतेंद्र जो उनके साथ अगर मैं 14 साल तक चलता रहा हूं, तो वो बेवजह नहीं हो सकता कि मैं 14 साल चलूं। देयर इज सम पार्ट ऑफ दिस मैन्स क्रिएटिविटी कि जो मुझे ये साथ लेके चलते रहे और मैं इनके साथ साथ चलता रहा, क्योंकि मुझे कोई बात नहीं करता। जब ये मैं बहुत थोड़ा सा बात में ये खत्म कर दूंगा कि जैसे कबीर की इमेजेस लेकर जब ये कविता कहते हैं, और पूरी किताब है कि कबीर की इमेजेस पर लिखी हुई सारी कविताएं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत किताब है जो उन्होंने लिखी है। और फिर मेरी एक किताब का मजमू इन्होंने बनाया जिसमें इंटरप्रिटेशन इन्होंने पोइम्स की थी यार जुलाहे के नाम से, वो किताब इन्होंने ले। तो देर वर रीजंस फॉर मी टू ट्रेवल अलोंग विद हिम कि मैं उनके साथ साथ क्यों चल रहा हूँ। ऐसे बेवजह नहीं होता कि मैं या मेरी तारीफ हो रही या मेरी शौक हो रही, आपको पता नहीं चला, और आपको पता है शायद चलेगा भी नहीं कि अगर मैं बताऊ नहीं कि साहब ये तो मेरी चोरी है, मैंने अपने आप उनसे सीख लिया, उन्होंने सिखाया भी। मतलब आदमी जो सीखता है एक्सपोजर से सीख लेता है दूसरे लोगों से। अगर मैं हेमा जी से इनके साथ काम करते हुए देर इज अ रॉयल रीगल पर्सनैलिटी दैट आई कुड फील। मीरा का चुनाव ऐसी बेवजह तो नहीं हो सकता ना, देर इज अ रीगैलिटी इन हर पर्सनैलिटी, देर इज अ रॉयल प्रेजेंस इन हर प्रेजेंस। एंड मैं वो जो अभी बात करते करते भूल गए, मैंने कहा मैं पूरा कर देता हूँ। उन्होंने बात कह रही थी कि वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया था हमारे प्रोड्यूसर को, थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी, तो कहने की मैं ज्यादा तो नहीं कह सकती थी उस बारे में। तो मैं उस वक्त इनके पास गया था, आई सेड फॉरगेट अबाउट मनी, ये फिल्म को रुकने मत देना, इसको कंप्लीट कर लो। एंड शी डिड दैट विदाउट मनी, क्योंकि मैंने इनसे एक बात कही थी, मैं कहा ये याद रखना तुम्हारी बाकी सारी फिल्में वो तो गुजर जाएंगे वक्त के साथ, ये तुम्हारे बाल बच्चे खुश हो गए, हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, मम्मी यू वर दिस। तो ये बिकॉज वी न्यू ही इज इन अ प्रॉब्लम, ही इज अ वेरी वेरी गुड मैन, हमारे जो प्रोड्यूसर थे बहुत अच्छे इंसान थे, बट देन दीज काइंड ऑफ डिफिकल्टीज ये आ जाती है फिल्मों में, इस तरह से हो जाती है। और अंदाज द फर्स्ट फिल्म दैट आई टेल यू व्हाट इज दैट इंस्पायर्स यू, हाउ डू यू लर्न, आपको मैं बताऊं मैंने इनसे क्या सीखा है।
अंदाज पहली फिल्म थी इनके साथ, और इन्होंने मुझसे कहा था मैं फिल्में करूं चलेंगी, चलना चाहिए चलेंगी नहीं, इनकी मम्मी इनके साथ आती थी, इनके एक आंटी आती थी ऐसे कैप पहनती थी, मैं उन्हें कैप्टन साहब कहता था कैप्टन साहब इनके साथ। तो मैंने इनसे कहा तो वो इन्होंने कहा था मैं चाहे फिल्म चले नहीं चले वेर एवर आई रीच मैं डांस नहीं छोड़ूंगी, आई विल कीप डांसिंग टिल द एंड ऑफ माय लाइफ। डू यू नो आज तक ये उसी तरह से डांसर है, उसी तरह डांस करती है, हार्डली अ मंथ बैक शी परफॉर्म्ड इन मथुरा एंड शी वाज डांसिंग एंड मोदी साहब बैठे रहे पूरा उनकी पूरी परफॉर्मेंस देखी उन्होंने जस्ट अ फ्यू वीक्स और मैक्सिमम वो डांस उन्होंने ही छोड़ा। एंड दैट काइंड ऑफ अ डिवोशन, that kind of a dedication, that is what you learn even from your juniors, not necessarily from your seniors. तो आप ये सीखते हैं। मैं बाज मैं भी लिया, मैं भी फिल्में लिखता रहा, मैं फिल्में बंद कर दी, गाने लिखता रहा, और वन मैन जिसकी वजह से आई थिंक पंचम के साथ मेरा बड़ा लंबा एक सफर रहा, एंड आई माइट हैव शायद डिजॉल्व हो जाता, फेड आउट हो जाता, अ यंग पोएट म्यूजिशियन सिंगर कंपोजर हेल्ड माई हैंड एंड ही कैरीड मी लॉन्ग ही हैज कैप्ट मी यंग इन माई राइटिंग। उसकी वजह से मैं जवान हूँ अपने गाने में, अभी तक भी उस तरह की हरकतें करता हूँ जो इस उम्र में शायद बड़ी एम्बेरसिंग लगे जलाले ऐसे तो नहीं हो जाता उनके साथ किया सीन का निजाम है उनसे उर्दू जबान का वो लफ्ज की बार बार बात कर रहे थे वो बार बार लफ्ज और मैं लफ्जों के इस्तेमाल का जिस तरह से मैं करता हूँ या जिस तरह से मुझसे हो जाता है जो ग्रामेटिकली ही इज अ ग्रेट ग्रामेटेरियन ही हैज रिटन बुक्स उन्होंने अल्फाज के नाम से किताब लिखी है और मतलब उर्दू ग्रामर पर जिस तरह से और शायरी एनालाइज करते हुए जिस तरह और उनसे उनके साथ बैठा हूँ उनके साथ सुना है और कई दफा मैं क्योंकि मैं गलत जबान भी इस्तेमाल करता हूँ उसमें गलत इन द सेंस कि ग्रामेटिकली रहा हूँ तो वो जैसे इजाजत की वो बता रहे थे गाना मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा आई रिमेम्बर कि बहुत से गाने बहुत से अल्फाज जिन पर एतराज किया गया वो क्या महकती खुश हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू अब वो बड़ा एतराज हुआ था साहब कुछ मास्टर से तो खुशबू है ऊपर आपसे हाथ से भी छूते भी है और महकती खुशबू जिनके साथ बात हुई तो कहने गई ये अल्फाज के बीच में से जो आप ग्रामर निकालते हैं ना कि महकती को वर्ब बना लिया और खुशबू को नाउन बना दिया तो नाउन नहीं वर्ब और वो तो कहने ये अल्फाज के बीच के जो वक्फे आप निकाल लेते हैं ये एक इंडिविजुअलिटी बन के ये एक तरीका आपने नया निकाल दिया अल्फाज भी यूज करने बट देन दिस इज द प्रोसेस ये प्रोसेस करते करते ही तो You grow up and you start learning and I'm बड़ा नहीं हो पा रहा हूँ लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ तो सीखने को तैयार हूँ जी सीखते ही रहना चाहिए और अच्छा अगर बड़ा हो गया तो फिर तो सीखना बंद हो जाएगा मैं और ये किताब जिसके लिए 14 साल तक मैंने तो मेहनत की उनके साथ कहकर मुझे मजा आ रहा था लेकिन आई एडमायर हिज पेशेंस के ये मुझे बर्दाश्त करते हैं इतना गुस्सा बर्दाश्त किया उन्होंने मैं अब राजा साहब बड़े राजा साहब भाई साहब मैं बुलाता हूँ उनके पिताजी उनके रहता है बिकम अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली उनके उन्होंने माँ को बिटिया है कोई बहन थी उनकी उनके साथ हूँ लेकिन फाइनली कम टू थिंक इट आज की शाम कम से कम मैं कह सकता हूँ कि वो एक शेर याद आता है जगजीत गाया करते थे मैं
मैं ख्याल हूं किसी और का, और वो शेर में गलत पड़ जाता हूँ अक्सर, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे छापता कोई और। ताजपोशी हो गई मेरी किताब की, और ताजपोशी राजा साहब के होते हुए और ताज पहनाने के लिए हेमा जी आ गई, तो वो ताज में जो कोहिनूर की जगह होती है वो पूरी। विशाल को खास तौर पे, विशाल आ रहे थे, रेखा को बुला लिया मैंने, दोस्त हैं सारे, सलीम साहब हैं, लुगनम हैं, सत्या भी हैं मेरे साथ जो, जिन्होंने बिंदल साहब हैं इनको बुला लिया, और दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ थिएटर मैंने बहुत शेयर किया है कि भाई कुछ गवाह मैं भी ले चलूं, क्योंकि मेरी गवाही भी तो कोई देगा, और वरना ये तो कहीं सारे के सारे यतेंद्र की तरफ हो गए तो कान ही पकड़ेंगे, इधर से खींचे गवाहों के साथ ले लिए, और तब भी बस वो शेर याद आता है फिर एक बार, मैं हमेशा गलत पड़ जाता हूँ वातावरण में। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, मैं कुछ ऐसा खौफ लेके आया था। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा, गालिब ने तो कह दिया ना हुआ, मुझे लगता है कि हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।